अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लीवरेज। तो लास्ट लेक्चर के अंदर में जो हमने इसकी सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की थी, आज इंशाल्लाह जो है वो हम इसकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट और सेकेंड करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पेपर में भी शायद आ चुका हुआ है जिनमें से क्वेश्चन। तो बच्चों वही फॉर्मूले हैं जो हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने कहा जी, द एंड्रियास पाउल सेस्मोमीटर कंपनी इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस फर्म। इट अर्न्स मंथली आफ्टर टैक्स 24,000। ये बच्चों उसका जो है वो इनकम आफ्टर टैक्स है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब नेट इनकम उसने आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ 24,000। जो टैक्स के बाद होता है, इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद, वो आपकी नेट इनकम नेट प्रॉफिट होता है। सेल बच्चों उसने आपको बताई है 8,80,000। द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 40%। द कंपनी इज ओनली प्रोडक्ट द डेस्कटॉप सेस्मोमीटर सेल फॉर 200, ऑफ विच 150 इज वेरिएबल कॉस्ट। ये उसकी बच्चों सेल प्राइस है और ये इसकी बच्चों वेरिएबल कॉस्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द कंपनी मंथली फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट बच्चों उसने आपसे पूछी है, तो हम इसकी बच्चों क्या बना लेते हैं, इसकी इनकम स्टेटमेंट बना के इसकी फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट बच्चों कैसे बनती है, सेल, सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारे पास आएगा जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ये बच्चों फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये आएगा जी ईबीआईटी। और इसमें आगे बच्चों उसने हमें बताया हुआ है कि ये ऑल इक्विटी फाइनेंस है। क्या ये लिखा हुआ जी, ऑल इक्विटी फाइनेंस, मतलब हमने इसमें कोई डेट वगैरह इशू ही नहीं किया, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब इक्विटी फाइनेंसिंग होगी तो उसमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट तब भी आएगा जब उसमें डेट भी आएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट तो इसमें जीरो है। तो नेक्स्ट जो है वो हम क्या माइनस कर लेते हैं, टैक्स, टैक्स इसने बताया था 40%, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर कुछ चीजें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, सेल भी हमें गिवन है, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। सेल बच्चों उसने हमें बताई हुई है जी 8,80,000। ये आ जाएगी हमारे पास सेल प्राइस 8,80,000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के लिए बच्चों हमें इसके यूनिट चाहिए, यूनिट्स होंगे तो इसकी जो है वो पर यूनिट प्राइस वेरिएबल उसने बताई है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए जिसने बताया था कि सेल प्राइस कितनी है 200, ऑफ विच 150 इज वेरिएबल, 150 वेरिएबल है, लेकिन टोटल यूनिट्स नहीं बच्चों उसने बताए हुए, तो हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए जी 8,80,000 इसकी टोटल सेल प्राइस है, और सेल पर यूनिट उसने आपको बताया 200, तो यूनिट्स हम बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब वर्किंग में जाके इसके यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो यूनिट्स सोल्ड बच्चों कैसे आएंगे, यूनिट सोल्ड, इसके बच्चों उसने आपको जो है वो टोटल सेल भी बता दिया और सेल प्राइस भी बता दिया। तो यूनिट सेल बच्चों कैसे आती है, टोटल सेल अगर आपके पास है, टोटल सेल कितनी है जी 8,80,000, और सेल प्राइस कितनी है बच्चों 200। बिल्कुल सिंपल, ये पॉइंट है। अब टोटल सेल को सेल प्राइस पे डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, यूनिट्स सोल्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जी 8,80,000 है आपके पास, इससे हमने डिवाइड किया 200 के ऊपर, तो ये 4,400 आपके पास यूनिट सोल्ड आ गए। अच्छा जी 4,400 ये हमने निकाला क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमें
में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो बताई थी लेकिन यूनिट्स नहीं थे बताए, तो उसके लिए हमें ये जो है वो सारी वर्किंग करनी पड़ी है। तो सेल प्राइस बच्चों की सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 150, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे 4400 और मल्टीप्लाई 150 जी बच्चों, ये 4400 हमने इसके लिए ये वर्किंग की है ठीक है। ये आपके पास 660,000 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ से माइनस कर दें इसे, ये आपके पास बच्चों सीएम आ गया। तो बच्चों ये हमने कैलकुलेट करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें जो है वो हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है ठीक है जी बच्चों। ईबीआईटी भी नहीं बताया हुआ, टैक्स रेट उसने हमें बताया था 40% है, टैक्स रेट कितना बच्चों 40%। और इसके अलावा नेट प्रॉफिट बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन था, नेट प्रॉफिट कितना बताया हुआ ये बच्चों देखिए जी मंथली, इसने कहा इट अर्न्स मंथली आफ्टर टैक्स 24,000 अब यहाँ से बच्चों हम जो है वो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए बच्चों टैक्स जो है ये 40% है, तो ये नेट प्रॉफिट कितना होगा बच्चों हमारा, नेट प्रॉफिट होगा 60%। वो कैसे आया बच्चों, ये 100% इसको हमने पूरा करना ठीक है, तो 40% टैक्स है तो मतलब ये 60% और ये कितना हुआ बच्चों, ये 100% होगा। अब बच्चों यहाँ से जो है ये 24,000 है, इसकी मदद से हम जो है वो ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स की। अच्छा बच्चों इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन है और उसकी परसेंटेज भी गिवन है तो उसकी मदद से आप कोई भी मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी परसेंटेज हमें गिवन हो। तो ये देखिए जी हम क्या निकाल लेते हैं, टैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, हम ई बी आई टी भी निकाल सकते हैं लेकिन हम टैक्स निकाल लेते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये टैक्स आ जाएगा तो फिर आगे सारा रिवर्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ठीक है। तो हम टैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, कैसे आएगा टैक्स ये आपने इसको याद रखना है, ये आगे आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको इसकी जो है वो हेल्प मिलेगी ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये देखिए जी नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 24,000। तो बच्चों मैंने आपको बताया अगर आपके पास कोई अमाउंट है और उसकी परसेंटेज भी है तो आपने क्या करना है, उस अमाउंट को उसकी परसेंटेज के साथ आपने डिवाइड कर देना, लेकिन परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आपने लिख देना 60। ये कितना बच्चों 24,000 और ये कितने परसेंट है 60%, तो 24,000 को आपने 60 पे डिवाइड किया। कैलकुलेशन बच्चों किस चीज़ की कर रही है, टैक्स की, तो टैक्स कितने परसेंट है 40%। तो जो बच्चों आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके साथ आपने इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, टैक्स निकाल रहे हैं टैक्स 40% है तो 40 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह से बच्चों आप कोई भी जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वैल्यू है और उसकी परसेंटेज भी है ठीक है। और ये आपको बच्चों नेक्स्ट भी यूज़ होगा इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, 24,000 और डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई 40 हमने किया तो ये 16,000 बच्चों आपके पास जो है वो आएगा टैक्स, ये कितना आ गया बच्चों 16,000। अब यहाँ से बच्चों रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन के अंदर जी बच्चों ये देखिए जी ये लेस हो रहा है, जब यहाँ से रिवर्स करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, रिवर्स जब करेंगे तो वैल्यूज प्लस हो जाती है, 16,000 जमा 24,000 ये 40,000 आपके पास इधर वैल्यू आ जाएगी ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों आपके पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ये है जी 2,20,000 और ये आपके पास है जी 40,000। अब इनके बीच में हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप जो है वो रिवर्स कैलकुलेशन कर रही हो अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई वैल्यू मिस हो, क्या हो बच्चों दो वैल्यूज़ के दरमियान में अगर कोई वैल्यू मिस है तो आपने उन दोनों वैल्यूज़ को हमेशा माइनस ही करना है। अब यहाँ पर चूँकि लेस लिखा हुआ है लेकिन हमने प्लस नहीं करना, प्लस हमने कम करना, जैसे ये था बच्चों ये दोनों ही नीचे वैल्यूज गिवन थी, ऊपर वाली वैल्यू मिस थी, जब ऊपर वाली वैल्यू मिस हो तो तब हमें इसके उल्ट चलना होता है,
लेकिन बच्चों अगर दो वैल्यूज के दरमियान में आपके पास कोई वैल्यू मिस हो तो फिर आपने इसके उल्टा नहीं करना, फिर आपने यहाँ पे चाहे लेस हो चाहे प्लस हो, जब दो वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यू मिस होगी तो हमेशा माइनस करेंगे, ये पॉइंट याद रखना ठीक है। तो 2,20,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे, 2,20,000 माइनस 40,000 ये आपके पास बच्चों कितना आ गया जी, 1,80,000 ये आपके पास जो है वो फिक्स कास्ट आ गई। तो यही हमने चीज कैलकुलेट करनी थी, तो 1,80,000 हमारे पास क्या चीज आ गई बच्चों, फिक्स कास्ट। इसको आपने बच्चों अलहदा से जो है वो मेंशन कर देना यहाँ पे ठीक है, तो ये आपने इसको अलहदा से मेंशन करना। यहाँ पे आपने बच्चों मेंशन कर देना जी, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट बच्चों कितनी आ गई, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,80,000 ये आपके बच्चों फिक्स कॉस्ट आ गई ठीक है। तो ये आपने इसको अलहदा से यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया। तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मंथली ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इन डॉलर्स। तो बच्चों आगे आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में भी और डॉलर्स के अंदर भी ठीक है। तो ये उम्मीद है आप बच्चों ये वाला पार्ट खुद कर लेंगे ठीक है। आपने फिक्स कास्ट भी आपके पास आ चुकी है, फिक्स कास्ट 1,80,000 अभी हमने निकाली है, सी एम पर यूनिट आ जाएगा 200 माइनस 150 50 आ जाएगा, तो इसको 1,80,000 को 50 पे डिवाइड कर देंगे। और फिर आपने बच्चों डॉलर्स में भी निकालना है, उसके लिए आपने सी एम रेशो निकाल लेनी है, ये सी एम रेशो का फार्मूला था, इसी फार्मूले से निकाल के सेम बच्चों ये फार्मूले लिखे हुए हैं, हमने कल भी ये किया था, तो ये आपने बच्चों खुद कर लेना ठीक है। अच्छा जी बच्चों नेक्स्ट पार्ट में देखिए इसने क्या कहा हुआ जी, कंप्यूट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज वर्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड फॉर द फॉलोइंग पॉसिबल मंथली सेल लेवल। अच्छा बच्चों डॉल कैलकुलेट करना है, इसके अंदर आपने डिफरेंट सेल लेवल्स आपने लेनी है, मतलब 4,000 4,400 ये आपने डिफरेंट लेवल लेके जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट सॉरी डॉल कैलकुलेट करना। अच्छा इसके लिए फिर हमें जो है ना वो सेकेंड पार्ट करना ही पड़ेगा। चले मैं आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट भी करवा देता हूँ क्योंकि उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अच्छा जी सेकंड पार्ट के अंदर हम पहले जो है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला बच्चों क्या था, फिक्स कॉस्ट ओवर सी एम पर यूनिट। तो बच्चों फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई है जी, 1,80,000 ठीक हो गया। और सी एम पर यूनिट बच्चों वो आप खुद निकाल लेना, ये भी मैंने आपको बताया 200 उसकी सेल प्राइस थी और 150 वेरिएबल कॉस्ट थी, तो कितनी बच्चों आ गई 50। अब इसको डिवाइड कर दे सिंपली, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा आपके पास 1,80,000 है, इसे डिवाइड कर दे 50 के ऊपर, तो ये 3,600 आपके पास जो है वो क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ गया, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से बच्चों आपने डॉलर्स में भी निकालना है करेंसी के अंदर, तो उसके लिए बच्चों सेम यही वाला फॉर्मूला, बस जस्ट नीचे से ये चेंज हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा यहाँ पे सी एम पर सी एम रेशो आ जाएगा। तो जी बच्चों इसके अंदर हमें अब जो है वो फिक्स कास्ट 1,80,000 आ जाएगी, सी एम रेशो बच्चों निकालना पड़ेगा, तो सी एम रेशो का मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे वर्किंग आपने जाके करनी है सी एम रेशो के लिए।
की वजह से एम रेशो का क्या यहाँ पे वर्किंग आएगी जी। यह आएगा बच्चों वन माइनस वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बच्चों आपको लिखवाया था मैंने नोट्स में, इसमें अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास सी एम रेशो आ जाए। तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 150 और सेल प्राइस आपके पास 200, तो 150 डिवाइडेड बाय 200 और इसमें वन में से माइनस कर दे 0.25। सी एम रेशो बच्चों कितना आ गया जी आपके पास 0.25। ठीक हो गया बच्चों, माइनस को इग्नोर कर दो बच्चों, तो ये आपके पास सी एम रेशियो आ गया। अब 180,000 को डिवाइड कर दे 0.25 पे तो ये 7,20,000 ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा आपके पास डॉलर्स में। ठीक है, ये बच्चों डॉलर्स में आ रहा है रेवेन्यू। कितना आ गया बच्चों 7,20,000। तो ये बच्चों मुझे सारा ही करना पड़ा क्योंकि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का होना जरूरी था। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों उसने आपसे क्या पूछा हुआ है जी, सी पार्ट में उसने कहा हुआ जी डॉल कैलकुलेट करें। तो बच्चों ये डाल का हमारे पास फार्मूला है। तो बच्चों उसने आपको डिफरेंट सेल लेवल बताए हुए हैं, उसने कहा हुआ जी 4,000, 4,400, ये डिफरेंट आपने सेल लेवल लेने हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग दे लेते हैं, यहाँ पे बल्कि आप ऐसे कर सकते हैं हेडिंग देने की बजाय, अब इसके साथ यहाँ पे बेस के अंदर बच्चों आप मैंशन कर लें ऐसे डॉल 4,000। ठीक है, 4,000 यूनिट्स के लिए डॉल, लेकिन बच्चों बेस में मेंशन करना यहाँ पे, चूंकि ये लिखा नहीं जा रहा बेस के अंदर तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। आप इसको क्या कीजिएगा, ये डॉल लिख के इसके बेस में आप ऐसे मेंशन कर दें 4,000। ठीक है, तो क्या फार्मूला आएगा बच्चों, सेल लेवल हमारे पास 4,000 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा बच्चों 4,000 और ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने निकाला 3,600, अभी जो हमने पीछे निकाला बच्चों 3,600, ये अभी हमने ऊपर निकाला बच्चों 3,600, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब इसको बच्चों आपने सॉल्व कर लेना, 4,000 में से माइनस करेंगे 3,600, 400 आ गया तो 4,000 तकसीम 400, ये आपके पास डॉल आ जाएगा कितना बच्चों 10। क्लियर बच्चों, ऐसे ही आपने बच्चों ये आगे सारा कर लेना। ठीक है, ये देखें आपके पास सिर्फ आपने सेल लेवल चेंज करते जाना, 4,400 पे करना है, फिर 48 पे, 52 पे, 56 और 6,000 पे, या आपने बच्चों ये ऐसे करते जाना, ये डाल 4,000, फिर ऐसे ही आपने यही वाला फॉर्मूला लिख के यहाँ पे 4,400 कर लेना। ठीक है, तो ये आगे से सारा आपने खुद कंप्लीट कर लेना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका हुआ और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। ठीक है, द क्रेजी हॉर्स होटल हैज अ कैपेसिटी टू स्टेबल 50 हॉर्सेस। ये बच्चों जो है वो 50 हॉर्सेज जो है उनके पास कैपेसिटी है, उनको जो है वो उनकी देखभाल वो कर सकते हैं। ठीक है, द फी फॉर स्टेबलिंग अ हॉर्स इज 100 पर मंथ। ये उनकी बच्चों सेल प्राइस हो गई 100 पर मंथ, फीस हो गई मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये इनकी फिक्स कॉस्ट हो गई पर मंथ। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो है जी 12 पर मंथ, ये वेरिएबल फॉर हे एंड बेडिंग एंड 8 पर मंथ फॉर ग्रेन। तो ये
12 और 8 दोनों को प्लस कर लेंगे तो 20 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द मंथली ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन हॉर्सेस टेबल। तो बच्चों ये यूनिट्स के अंदर आपने इसमें क्या निकालना है, बच्चों यूनिट्स के अंदर आपने इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है हॉर्सेस के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये यहाँ से मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ, ये हमारे पास यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। यूनिट्स के अंदर पूछा हुआ है उसने, हॉर्सेस के अंदर मतलब यूनिट्स में पूछा हुआ है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट उसने हमें बताई हुई है कितनी है बच्चों, उसके पास 1200 फिक्स कॉस्ट है CM पर यूनिट, तो हमें निकालना पड़ेगा CM पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस बच्चों कितनी है उसकी, 100 सेल प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20, ठीक है। ये 100 उसकी फीस है, ये उसकी सेल प्राइस आ जाएगी 100, और माइनस वेरिएबल कॉस्ट 12 और 8 दोनों को प्लस करके 20 आपके पास आ रही है, तो माइनस करके 80 जो है वो आपके पास CM पर यूनिट आ। क्लियर हो गया बच्चों ये, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा $80, 1200 डिवाइडेड बाय 80 तो 15, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है बच्चों, 15 हॉर्सेस। तो अपने साथ में मेंशन कर देना बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट 15 हॉर्सेस आ रहे हैं, मतलब 15 घोड़े जो है हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल पॉइंट था फर्स्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कंप्यूट द मंथली ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ एन एवरेज ऑफ 40 हॉर्सेस आर स्टेबल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBIT आपने कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल बच्चों इसकी इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। इसके अंदर आ जाएगा सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, और ये CM आ जाएगा, लेस करेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट, तो ये EBIT आ जाएगा। इसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट था बच्चों। सेल उसने बताया बच्चों हम मंथली एवरेज उसने कहा 40 हॉर्सेस को जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। फीस बच्चों हमारी मंथली कितनी है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये आपके पास 200 और मल्टीप्लाई बाय 40, 8000 जो है वो आपके पास इसकी फीस आ जाएगी, ठीक है, मंथली फीस। वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही आपने निकालनी है, 40 हॉर्सेस थे और आपके पास जो है जी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20 पर हॉर्स, ठीक है। ये भी तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 20, 800 आ गया ये, तो माइनस कर देते हैं 8000 में से, माइनस किया 800, CM आ गया। फिक्स कॉस्ट जो उसने बताई थी मंथली 1200 है, ये माइनस करेंगे 7200 में से ये 1200, तो ये आपके पास बच्चों EBIT आ गया। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो बच्चों ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी, अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना होमवर्क बच्चों डेली बेसिस पे जो है वो मेंटेन रखें, इंशाल्लाह जो ही कॉलेज ओपन होंगे तो आपका जो है वो कॉलेज ओपन होते ही कंप्लीट होमवर्क भी चेक होगा, ठीक है। तो ये ना हो आप लोग जो है वो कहें कि हम बाद में कर लेंगे, तो बच्चों आपने साथ साथ ही अपना होमवर्क कम्प्लीट करना, और कोशिश करें बच्चों मैंने आपको कहा था डेली होमवर्क करके मुझे उसकी पिक सेंड किया करें। सिर्फ बच्चों 2 या 3 बच्चे हैं जो अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं, एक रिमशा और एक जो है वो 2-3 बच्चे और हैं, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो बच्चों सारे बच्चे अपना होमवर्क करके डेली बेसिस पे मुझे होमवर्क की पिक सेंड करें, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।